हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है जो एमएससी सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए प्रेगनेंसी डायग्नोसिस टेस्ट। प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो में पाए जाने वाले विकारों का अध्ययन निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है, एक ऐसा टेस्ट है जो आपके मूत्र या ब्लड के सैंपल में विशिष्ट हार्मोन्स की जाँच करके ये निर्धारित कर सकता है कि आप गर्भवती हैं या नहीं। अल्ट्रासोनोग्राफी इसकी 3 जो है वह विधियां है। अल्ट्रासोनोग्राफी यह सबसे सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ट्रांसड्यूसर को की सहायता से ध्वनि की तरंगों को प्रेषित किया जाता है। यह ध्वनि तरंगें एम्ब्रियो से पुनः परावर्तित होकर आती हैं जो ट्रांसड्यूसर द्वारा ग्रहण की जाती है। ट्रांसड्यूसर इन ध्वनि तरंगों को एक इमेज में परिवर्तित कर देता है जिसे स्किन के ऊपर देख सकते हैं। यह इमेज सोनोग्राफी कहलाता है। इस प्रोसेस में मूत्राशय पूरा भरा होना चाहिए। एमिनोसेंटासिस इस प्रोसेस द्वारा एम्ब्रियो में पाए जाने वाले जेनेटिक विकार का पता लगाया जा सकता है। इस प्रोसेस में सर्जिकल नीडल के द्वारा फीमेल के गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव की कुछ मात्रा ली जाती है। इस द्रव में उपस्थित सेल्स को पात्र में कल्चर करके इनका कैरियोटाइप से प्राप्ति किया जाता है। कैरियोटाइप्स के आधार पर जेनेटिक विकारों का पता लगाया जाता है। क्योरोनिक विली सैंपलिंग यह टेस्ट प्रेगनेंसी के 8 सप्ताह पश्चात किया जाता है। इस टेस्ट में योनि के द्वारा एक कैथेटर गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड की सहायता से कैरियोनिक विलाई के द्वारा 30 मिलीग्राम टिश्यू को ले लिया जाता है। इस टिश्यू को गुणसूत्री विश्लेषण हेतु कल्चर किया जाता है। नीडल के द्वारा भी कैरियोनिक विलाई के सैंपल को लेकर जेनेटिक विकार का पता लगाया जाता है। पार्टीशन यानी प्रसव पार्टीशंस का अर्थ है शिशु का जन्म होना तथा लोबर का अर्थ है गर्भाशय से योनि द्वारा शिशु का बाहर आना। अतः प्रेगनेंसी के अंत में पूर्ण डेवलप्ड शिशु को योनि द्वारा गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है। यह प्रोसेस पार्टीशन या वृत कहलाती है। पार्टीशन की क्रिया 3 स्टेज में पूरी होती है जो निम्नलिखित है। स्टेज ऑफ डिलीएशंस फैलाव का चरण लोबर पेन के प्रारंभ होने से लेकर सर्विक्स के पूर्ण होने संपूर्ण प्रसव तक का समय डिलीएशन स्टेज कहलाती है। यह स्टेज 6 से 12 घंटे तक होती है। गर्भाशय में नियमित अंतराल में संकुचन होते रहते हैं। एमनियोटिक फट जाता है। एक सर्विक्स का संपूर्ण प्रसव 10 सेंटीमीटर हो जाता है। स्टेज ऑफ डिलीएशंस सेकेंड है स्टेज ऑफ एक्सप्लोनेशन चरण का निष्कासन। यह स्टेज 10 मिनट से कई घंटे तक हो सकती है। इस स्टेज में पूर्ण विकसित शिशु गर्भाशय की पेशियों के संकुचन के कारण पैदा हुए दबाव के प्रभाव से गया गर्भाशय से बाहर आ जाता है। लेकिन इस समय भी शिशु गर्भाशय से नाभिनाल द्वारा जुड़ा होता है। इस धागे द्वारा बच्चे की ओर बांधकर रोगाणु मुक्त ब्लेड से काटकर शिशु को स्वतंत्र मुक्त कर लेते हैं। स्टेज ऑफ एक्सप्लोशंस प्लेसेंटा स्टेज यह स्टेज 5 से 10 मिनट तक होती है। शिशु के जन्म के पश्चात कोरियोन तथा प्लेसेंटा भी गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं। पार्टीशन का नियंत्रण विभिन्न क्रिया द्वारा किया जाता है। मास्टर ग्लैंड में बना रिलैक्सिन प्रसव के समय योनि तथा गर्भाशय को चौड़ा करके प्रसव को यानी पार्टीशन को आसान बनाता है। प्रसव के पश्चात 6 सप्ताह में गर्भाशय योनि पुनः सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ब्रेस्ट सीने पर पाए जाने वाले उभर ब्रेस्ट स्तन कहलाते हैं। पुरुषों में यह जीवन पर्याप्त प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं लेकिन स्त्रियों में यौनावस्था के बाद डेवलप हो जाते हैं। इनका विकास एस्ट्रोजन एवं ओस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होता है। स्ट्रक्चर स्त्रियों के ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स के बने होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स में ग्रंथिल उत्तक रेशेदार उत्तक वसी उत्तक पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन में 6 लोबर होते हैं। प्रत्येक लोब कई लोब्यूल्स के बने होते हैं और ये लोब्यूल्स को पिकाओं के गुच्छे की बनी होती है। ये लोब्यूल्स मिलकर सेकेंडरी सिनस बनाती हैं। इन सिनस के में दूध एकत्रित किया जाता है। ये सिनस सक्रिय नलिकाओं द्वारा स्तन में निप्पल की त्वचा पर खुलते हैं। निप्पल एक छोटी नुकीली रचना है जो स्तन के बीचों बीच स्थित होती है। इसके चारों ओर एरोला पिगमेंट पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड शिशु के जन्म के समय दूध स्त्रावण करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट प्लेसेंटा यानी अपरा
प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर या ऑर्गन से है जो एम्ब्रियो ए फीमेल के बीच एक कड़ी स्थापित करता है। यह एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एवं एक्सक्रेशन में सहायता करता है। गर्भाशय के 3 से 4 हफ्ते से प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। 18 से 20 सप्ताह तक प्लेसेंटा पूरी तरह से बन जाता है। प्लेसेंटा 2 स्टेरॉइड हार्मोन्स पैदा करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के आवरण का समर्थन करके गर्भाशय को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। गर्भस्थ शिशु को माता के बॉडी से जोड़ने वाले नाल को प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मेन फंक्शन मादा के बॉडी के ब्लड को शिशु के बॉडी में पहुंचाना है, जिससे शिशु न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन आदि क्रियाएँ संपन्न होती है। प्लेसेंटा यानी माँ के गर्भ में बच्चे को सुरक्षा और पोषण दोनों उपलब्ध कराने वाली जगह। प्लेसेंटा वह स्थान है जो बच्चों को माँ से जोड़ता है। गर्भाशय के दौरान कुछ विशेष हार्मोन्स की जरूरत शिशु और माँ दोनों के लिए होती है और प्लेसेंटा इनका उत्पादन कर मदद करता है। इन हार्मोन्स में लैक्टोजन, एक्स्ट्रोजन और प्रोस्टेजन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स शामिल है। प्लेसेंटा की एक और खासियत है कि यह माँ के खून को बच्चे के खून से अलग रखने का काम करती हैं और इस तरह बच्चे कई टाइप के संक्रमणों से बच जाते हैं। इनका इतना ही नहीं, शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा कुछ एंटीबॉडी भी शिशु की सुरक्षा के लिहाज से उसके साथ कर देती है ताकि बच्चे का सुरक्षा कवच जन्म के बाद तक बरकरार रहे।